संस्कृत भाषा ही ब्रह्मांडाची भाषा आहे. संस्कृत भाषा देशातील सर्व भाषांची जननी आहे. तरुणांनी ही भाषा शिकली पाहिजे असं मत संस्कृत अनुवादक आणि प्रसारक डॉक्टर बलदेवानंद सागर यांनी व्यक्त केलं. गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाच्या जश केळकर सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आज की 21वीं शताब्दी की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको अपने अनुभव और अपनी बात कहना चाहूंगा एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में कि संस्कृतम कठिनम नास्ति, कथम केवलम अभ्यास अपेक्षते. एनी लैंग्वेज विच इज स्पोकन और प्रैक्टिस दैट बिकम्स वेरी सिंपल. अंग्रेजी में बोलिए, मराठी में बोलिए, कोंकणी में बोलिए, तो वो भाषा हमारे विचार और भाव की अभिव्यक्ति है. हम जो भाव और विचार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वो अंग्रेजी में करें, संस्कृत में करें, मराठी में करें, कोंकणी में करें, हिंदी में करें, ये समान है. परंच तत्र वैशिष्ट्यम अस्ति. संस्कृत भाषा में अगर करते हैं तो एक तो इसको बोलने में ही, उच्चारण में ही आनंद आता है. वो आनंद मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूं. शब्द ही अभिव्यंजय तुम नहीं बन सकते. फिर आप प्रश्न करेंगे अगर ऐसा है तो बाकी भाषा में क्यों बोले. बाकी भाषा भी व्यवहार की है, हम जानते हैं उसमें सरल व्यवहार हो, लेकिन कुछ विशेष सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत का माध्यम सर्वश्रेष्ठ माध्यम है. तो अपने अनुभव के आधार पर मैं आप सब से निवेदन करना चाहूंगा, उसमें बीए, एमए, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ा बहुत सीखिए, आपकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे संस्कृत हमारी अपनी मातृभाषा की भी एक संबल है, एक साधन है और उसको सपोर्ट करती है. अतएव अहम निवेदयामि यत एषा भाषा, संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी अस्ति, गणितात्मिका अस्ति, अपि च पूर्णा अस्ति. अतएव संस्कृत अध्ययनम अतितराम लाभदायकम. जैसे आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और अन्यान्य शास्त्र और विज्ञान है, उन सब का अध्ययन करने के लिए संस्कृत एक बहुत बड़ा हमारा खजाना है और हम भारतीयों का तो खास करके हमारी पहचान है, हमारा गौरव है. संस्कृत भाषा ही वैज्ञानिक भाषा है असा दावा सुद्धा डॉक्टर बलदेवानंद सागर यांनी केला. संस्कृत भाषा या भूतलावरून कधीही नष्ट होणार नाही असं देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मुश्ताक खान, माय कोकण, रत्नागिरी.